अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ यहाँ गोविंदगढ़ में। ये कॉलेज रोड कहलाता है और ये एक सिख जो एसपी थे उसके घर के अंदर मैं मौजूद हूँ। उसने अपने बेटे के लिए बनवाई थी। जब पार्टीशन 1947 हुई तो वो वापस लुधियाना इंडिया वापस जो है वो यहाँ से चले गए माइग्रेट करके। तो बड़ी ही खूबसूरत ये हवेली है, आपको दिखाता हूँ, आपने मेरे साथ रहना है। तो मज़ीद सब पर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। हम खड़े हैं एसपी तारा सिंह हवेली गोविंदगढ़ गुजरांवाला में। आप ये देख सकते हैं कि चारों तरफ जो हैं वो डबल स्टोरी जो है वो कमरे बने हुए हैं। नीचे भी बहुत बड़े बड़े कमरे हॉल हैं। और ये एक अलीट क्लास जो सिख तारा सिंह था, एसपी था, उसने अपने बेटे के लिए बनवाई थी। कहा जाता है कि ये 1925 में इसको बनाया गया और जब पार्टीशन हुई तो वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। ये टोटल जो एरिया है मोहल्ला गोविंदगढ़, ये सारा सिख कम्युनिटी का था और यहाँ पर इनका एक खालसा कॉलेज भी बनवाया गया 1917 में। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी मौजूद था। काफ़ी कम्युनिटी थी यहाँ पर सिख बरादरी की। आप ये देख सकते हैं कमरा, देखिए बहुत बड़ा हॉल। उसके बाद ये इनका किचन भी आपको दिखाते हैं कि उस दौर में ये किचन के तौर पर इस्तेमाल होता था। लकड़ी की सीलिंग को मेरे दोस्त दिखा रहे हैं कि उस दौर में भी ये काफ़ी जो है कॉस्टली काम होता था। बड़ी ही कमाल की ये जो है कॉटेज है, बड़ा ही कमाल का ये मेंशन है और सिखों ने इसे बिल्कुल रीजों के साथ जो कहते हैं ना वो बनाया था। और ये जो एसपी साहब थे, जो भी सिख थे, उन्होंने कमाल की जो है ये जो है ना खूबसूरत जगह बनाई। तो मज़ीद दिखाते हैं, ये देखिए ये बैठने के लिए जगह होती थी उस दौर में। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, ये उस वक्त सोफा होते थे। ये तकरीबन हर वो बिल्डिंग जो इस तरह की पुरानी बिल्डिंग होगी उसमें जो है ना ये इस्तेमाल होता है। और छत पे जो अफराद बैठते थे वो ये सोफे के तौर पर यहाँ बैठते थे। तो बड़ी कमाल की जगह है ये उधर भी एक सोफा लगा हुआ है, एक ही है। और ये चिमनी है, इसके नीचे किचन है। और ये देखिए यहाँ से धुआं जो है वो बाहर निकलता है, कमाल की चीज़ है। हम आ गए हैं जी छत पर। यहाँ पर पूरे जो गोविंदगढ़ का एरिया है वो बआसानी देखा जा सकता है। ये सामने गर्ल्स हाई स्कूल है। छत पर जो कमरे हैं वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले इस कमरे को देखें, इसकी सीलिंग देखें, उसके बाद इसकी विंडोज़, इसका दरवाज़ा देखें। ये वो जगह है जहाँ पर सर्दियों में हीटर रखा जाता था। कमरे आज भी सॉलिड हैं, बेहतरीन हैं। हाँ जी, ये जो चिमनी है जी, ये सर्दियों में यहाँ पर वो आग चला के तो कमरे को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। और शायद इसका यहाँ पे कोई हिस्सा भी होगा जी, बिल्कुल है ऊपर जाने के लिए। ये
कुछ होना है नहीं जी। तो व्यूअर्स हम आ चुके हैं बिल्कुल टॉप पे। ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है। पहली जो इसकी छत है वो तकरीबन 18 फुट के जो है वो फासले पर जो है ना जो ऊंचाई है उस पे है। उसके बाद ये उसकी सेकंड जो है वो फ्लोर है। तो यहाँ से ये देखिए सारा गोविंदगढ़ जो है वो नज़र आता है। बड़ा ही कमाल का व्यू है। मज़ीद आगे दिखाते हैं जी। लैटरीन का जिक्र लाजमी करो। इतना 200 साल पुरानी लैटरीन सी जो हम मौजूद हैं जी। अब इसके अंदर यहाँ पर बालकोनी बनी हुई है। यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं और ये अंदर वाला हॉल है। छोटा कमरा है, नीचे भी ठीक है, लेकिन ये कुर्सियाँ भी हॉल है। चलो ठीक। यहाँ पर कई सालों से जो कुछ कमरे हैं वो बंद पड़े हैं, सामान बिखरा पड़ा है और ये देखिए जाले भी लग चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर रहाइश तो है लेकिन सब कमरों में नहीं है। ये इसकी छत है, देखिए कितना खूबसूरत कलर जो है वो पेंट करवाया गया है। जो यहाँ के मालिक हैं बड़े नफीस इंसान हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया और उनको भी तारीख से बड़ा लगाव था। उन्होंने फिर हमें बताया इस हवेली के मतलब। ये उनकी प्रॉपर्टी है। तारा सिंह जो एसपी था उसने अपने बेटे के लिए ये ख़ास जो है वो एक मेंशन तैयार किया। कैसा लगा आपको ये आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है, अपनी राय का इजहार किया करें। बहुत शुक्रिया।